ये लो इतने रुपए लो और देवेंद्र यादव को मार दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसी शुभम नाम के व्यक्ति ने अंकित नाम के व्यक्ति से कहा है। अब और कोई भी व्यक्ति जब उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही हो, उसके नाम से पैसा दिया जा रहा हो, सुपारी दी जा रही हो, तो वो घबराना स्वाभाविक है। चुनाव के वक्त ही देवेंद्र यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और कहता है, शायद ये जानता हो आपको, टेक केयर भैया, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं गलत काम नहीं करता। ये लो इतने रुपए लो और देवेंद्र यादव को मार दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसी शुभम नाम के व्यक्ति ने अंकित नाम के व्यक्ति से कहा है। अब ये शुभम कौन है और अंकित कौन है और शुभम अंकित को देवेंद्र यादव को मारने के लिए पैसे क्यों दे रहा है? नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पांडे है और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल आज देवेंद्र यादव की जो मीडिया टीम है उनकी ओर से एक प्रेस नोट जारी की जाती है। उस प्रेस नोट में लिखा होता है किसी शुभम नाम के व्यक्ति ने अंकित नाम के व्यक्ति को देवेंद्र यादव को मारने के लिए पैसे दिए हैं और उनके नाम की सुपारी दी है। दरअसल पूरा मामला ये है कि शुभम नाम का व्यक्ति अंकित नाम के व्यक्ति से पावर हाउस के स्टेशन में मिलता है और उन्हें अंकित को 500 रुपये भी देता है और कहता है कि ये लो 2 लाख रुपये पकड़ो, और देवेंद्र यादव का फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि इन्हें मार दो। उसके बाद अंकित शायद घबरा जाता है और देवेंद्र यादव के ऑफिशियल अकाउंट पे इंस्टाग्राम के, जिस पे 70,000 से प्लस कुछ फॉलोअर भी हैं, उस पे मैसेज करता है और कहता है, वो क्या कहता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ मैसेज में। ये देखिए, तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, अंकित नाम से अकाउंट है और उसने देवेंद्र यादव को मैसेज किया है और उस व्यक्ति का, यानी कि शुभम नाम के व्यक्ति का भी, जिसका वो जिक्र कर रहा है, जो कि देवेंद्र यादव को मारने के लिए पैसा देने की बात कर रहा है, उसका फ़ोटो भी शेयर करता है और कहता है, शायद ये जानता हो आपको, टेक केयर भैया, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं गलत काम नहीं करता। और देखिए 1, 2, 3, 4 वॉइस नोट भेजता है, जो कि पहला वॉइस नोट है 40 सेकंड का, दूसरा 16, तीसरा 22 और जो चौथा है वो 13 सेकंड का, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करता है और कहता है कि आप मुझसे इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद देवेंद्र यादव जब अपना रिक्वेस्ट चेक करते होंगे तब उन्हें ये मैसेज नज़र आता है। और कोई भी व्यक्ति जब उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही हो, उसके नाम से पैसा दिया जा रहा हो, सुपारी दी जा रही हो, तो वो घबराना स्वाभाविक है। देवेंद्र यादव क्योंकि इस वक्त भिलाई नगर में मौजूद नहीं है, राहुल गांधी जी की जो न्याय की यात्रा है वो निकल रही है, वो साथ साथ उसकी अगुवाई कर रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ, तो उन्होंने अपनी मीडिया टीम को इसकी जानकारी दी। मीडिया टीम आज जो दुर्ग के SP हैं उनके पास जाती है, एक आवेदन सौंपती है और कहती है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ, यहाँ के जो CSP हैं, मैंने उनसे इस संदर्भ में बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमें आवेदन प्राप्त हुआ है और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही हम इस मामले में खुलासा भी कर देंगे। हालांकि उन्होंने बाइट देने से इनकार किया। और देवेंद्र यादव जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, उनसे भी मैंने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा हाँ, मैंने अपनी टीम से कह दिया है, वो लोगों ने आवेदन भी कर दिया और बहुत जल्द पुलिस में कार्रवाई भी कर देगी। और साथ ही साथ देवेंद्र यादव के चुनाव के वक्त एक वीडियो वायरल हो रहा था, MMS वायरल हो रहा था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि उस MMS में देवेंद्र यादव खुद शामिल है। उसके बाद चुनाव के वक्त ही देवेंद्र यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और कहते हैं कि मैं उस वीडियो में शामिल नहीं हूँ। उसके बाद उस वीडियो की फॉरेंसिक जाँच कराई जाती है, जाँच में ये पाया भी जाता है कि देवेंद्र यादव उस वीडियो में शामिल नहीं थे। उस संदर्भ में भी एक FIR का आवेदन किया गया है और कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने भी उस वीडियो को वायरल किया है चुनाव के वक्त, उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि देवेंद्र यादव को मारने पे या सुपारी देने वाले में क्या कुछ अपडेट रहेगा, आप देखते रहेगा KP News। धन्यवाद।